अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी बादशाह या शहजादे की कहानी नहीं बल्कि मौजूदा दौर के एक कड़वे सच की बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक मर्तबा हमने विलाद चहारुम, जिसे ड्रैकोला कहा जाता है, की वीडियो पोस्ट की थी, जो कि इंसान की शक्ल में एक भेड़िया था। लोगों को बेदर्दी से कत्ल करना, इनकी लाशों को सलाखों में पिरो देना, फिर इनके खून से रोटियां डबो डबो कर खाना, इसका पसंदीदा मशगला था। आप कहेंगे कि वो तो दौरे जाहिलियत की बात थी, अब ऐसे लोग कहां? तो दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मौजूदा दौर में विलाद चहारुम से ज्यादा तशद्दुद पसंद, सरफिरे और दरिंदा सिर्फ लोग पाए जाते हैं। 2010 में 3 वीडियोस पर मुश्तमिल एक सीरीज मंजरे आम पर आई थी, जिसे दुनिया डिजीज डिस्ट्रक्शन के नाम से जानती है। इन वीडियोस ने आते ही दुनिया भर में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। इन वीडियोस में एक औरत और एक मर्द, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम डेजी था, इस पर शदीद किस्म का तशद्दुद करते दिखाई देते हैं। इस वीडियो में इसका रेप किया जाता है, इसके हाथ पैर काटे जाते हैं और तरह तरह के तरीकों से इसे अजियत दी जाती है। ये वीडियो दरअसल डार्क वेब से ताल्लुक रखती थी, मगर किसी एरर यानी गलती की वजह से नॉर्मल इंटरनेट यानी सरफेस वेब पर लीक हो गई थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इंटरनेट 4 मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम है। पहला है सरफेस वेब, जो चीजें गूगल सर्च कर सकता है, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट और दीगर साइट्स, ये सब सरफेस वेब के जमरे में आती हैं। दूसरा दर्जा डीप वेब्स का है, जो किसी सर्चिंग में नहीं आ सकती। इनमें मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा, यूनिवर्सिटीज की मालूमात और इसी तरह की प्राइवेट चीजें शामिल हैं। मसलन, अगर मैं अपनी इस वीडियो को पब्लिक मूड से हटाकर प्राइवेट मूड पर कर दूं, तो ये वीडियो सरफेस वेब से डीप वेब में मुंतकिल हो जाएगी। तीसरा दर्जा डार्क वेब्स का है, जिसमें मेरा और आपका दाखिला मुमकिन नहीं, जब तक कि कोई हमें खुद वहां लेकर ना जाए। इस दर्जे यानी डार्क वेब्स में हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं, मसलन ड्रग्स खरीदना या बेचना, हथियारों की खरीदो फरोख्त, किसी की सुपारी देना यानी किराए का कातिल हायर करना, पैसे की गैर कानूनी मुंतकली और इस जैसे दूसरे सियाह काम डार्क वेब्स का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं। अब चौथा और सबसे खतरनाक दर्जा मैरियाना वेब्स का है। इंटरनेट के इस तारीख तरीन हिस्से में तरह तरह के खतरनाक तरीन जादू, माफूकुल फितरत कुवतों यानी रूहों, जिनों और मौकलात की खरीदो फरोख्त के साथ साथ कई प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जहां मासूम और छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके यहां लाया जाता है और इनके साथ बहीमाना तशद्दुद किया जाता है। इनमें सबसे मशहूर वेबसाइट रेड रूम नाम की है। रेड रूम अपने सब्सक्राइबर्स को मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की एक वैरायटी पेश करती है। फिर ये लोग जो दरअसल नफ्सियाती और दिमागी खलल का शिकार होते हैं, बिटकॉइन के जरिए इन बच्चों की बोलियां लगाते हैं। इस तरह नीलामी के बाद इस बच्चे को रेड रूम में पेश कर दिया जाता है। अब एक आदमी या एक औरत जो अपने मुंह पर मास्क लगाए होता है, इस जहनी मरीज क्लाइंट की हर जलील ख्वाहिश पूरी करता है। मसलन, अगर ये कहता है कि इसका हाथ काट दिया जाए, तो उस बच्चे का हाथ काट दिया जाता है, जबान कह दे तो जबान काट दी जाती है। और ये तमाम तरीन तशद्दुद रेड रूम अपने क्लाइंट्स को लाइव दिखाती है और वो क्लाइंट्स इन पुरतशद्दुद मनाजर से खुदा जाने कौन सी तस्कीन हासिल करते हैं। इसी तरह तशद्दुद के नतीजे में आखिरकार वो मासूम बच्चा जा बहक हो जाता है। रेड रूम के अलावा और भी ऐसी कई साइट्स मैरियाना वेब्स पर मौजूद हैं। 2010 से पहले तक ये सुनी सुनाई बातें कहलाती थीं,
मगर डेजीज डिस्ट्रक्शन नामी वीडियो और इसके अलावा ऐसे ही कई केसेस ने इन कहानियों पर सच्चाई की मोहर सब्त कर दी और यौमे हाजिर तक इस कारोबार ने एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर ली है कि दुनिया की कई हकूमतें मिलकर भी इस कारोबार का कला कमा नहीं कर सकी हैं। ये माफियाज बच्चों की बड़ी तादाद तरक्की पजीर ममालिक खसूसन इंडिया और पाकिस्तान से अगवा करती हैं, क्योंकि अव्वल तो यहाँ आबादी का तनासब बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ सिक्योरिटी की सूरतेहाल काफी खराब है। कुछ दिन कबल पाकिस्तान के शहर कसूर में एक दिलखराश वाकया पेश आया जिसने हमारी पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। इस बच्ची का नाम जैनब था, इसे अगवा किया गया और बाद में शदीद तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया। बाद अज़ां इस मासूम बच्ची की लाश एक कचरा खाने से मिली। इसकी तफसीलात से आप तमाम ही लोग बखूबी वाकिफ होंगे। पिछले दिनों इस बच्ची का कातिल भी पकड़ा गया जिसका नाम अली इमरान बताया जाता है और साथ में इस पर पागल और नफ्सियाती का टैग भी लगा दिया गया है। इसको लेकर पंजाब हुकूमत की तरफ से धुआंधार तकारीर की गई। ऐसे में पाकिस्तान के मशहूर टीवी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक दावा किया कि जैनब का कातिल अली इमरान कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि इस कातिल के 37 गैर मुल्की अकाउंट्स मौजूद हैं जिनमें कई लाख यूरोस की रकम मौजूद है। ये तमाम तर सबूत इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि इस कातिल का ताल्लुक रेड रूम जैसी ही किसी साइट यानी माफिया से है। अभी ये केस अदालत में जेरे समात है, इसलिए हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इस कातिल के आकाओं तक रसाई हासिल हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि इस केस में रेड रूम जैसी किसी माफिया का हाथ है, तो ये दुनिया में अपनी नौयत का पहला केस होगा। हमारा ईमान है कि ये बच्ची जैनब और इसके जैसे लातादात मासूम बच्चों के सफाक कातिल जो अभी तक अपने अंजाम से बेखबर हैं, एक ना एक दिन अल्लाह की गिरफ्त का शिकार जरूर होंगे, क्योंकि खुदा की लाठी बे आवाज है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना? और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे, डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।